दोस्तों मेरा नाम है राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यूज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि यहां पर आपको इसी तरह की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो कि शिक्षा से जुड़ी हुई है, छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है, वो लगातार आपको इसी चैनल पर मिलती रहे। इस वीडियो में आपको यहाँ पर दुर्ग यूनिवर्सिटी से बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है, बहुत ही आपके काम की है, आने वाले एग्जाम को लेकर है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर भी कीजिए। तो चलिए मैं वीडियो शुरू करता हूँ, बताता हूँ क्या क्या नोटिफिकेशन है। बहुत सारे नोटिफिकेशन है, एक ही साथ में सारे बताऊँगा। तो देखिए यहाँ पर दुर्ग यूनिवर्सिटी से संबंध सभी जितने भी कॉलेज है जहाँ पर अभी सेमेस्टर सिस्टम से पाठ्यक्रम चालू है, कोर्सेज चालू है सेमेस्टर वाइज, तो उनमें जितने भी पढ़ने वाले हैं उनके सभी सेमेस्टर को, सिर्फ जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है, सभी सेमेस्टर को स्टूडेंट जो है जिसमें बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर इसको बस छोड़ के नियमित भूतपूर्व एटीकेटी के प्रथम तृतीय सेमेस्टर और एलएलबी के द्वितीय चतुर्थ सिक्स्थ सेमेस्टर एटीकेटी के जितने स्टूडेंट हैं वो उनके लिए परीक्षा दिसंबर जनवरी 2022-23 के लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म यहाँ पर भराया जा रहा है और इसका फीस भी ऑनलाइन आपको भरना पड़ेगा ऑनलाइन बैंकिंग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। जो डेट है ऑनलाइन यहाँ पर फॉर्म भरने की, समस्त कक्षाओं के तृतीय पंचम और एलएलबी के सेकंड फोर्थ और सिक्स्थ सेमेस्टर एटीकेटी के परीक्षार्थियों के लिए, तो इसकी जो डेट है स्टार्ट हो चुकी है 1 नवंबर से 7 नवंबर इसकी लास्ट डेट है, 3 दिन बाकी है। और उसके बाद यहाँ पर परीक्षार्थियों द्वारा ऑनलाइन ये जो सभी कक्षा प्रथम सेमेस्टर के परीक्षार्थी के लिए बीएड प्रथम सेमेस्टर को छोड़कर, ठीक है, सभी कक्षाओं के प्रथम सेमेस्टर सिर्फ बीएड को छोड़ के, तो उनकी जो डेट है 8 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक है। ऑनलाइन फॉर्म आप लोग भर सकते हैं, उसी दिन फीस भी भरना है आपको। उसके बाद हार्ड कॉपी जमा करने की जो डेट है दोनों भी के, ठीक है, दोनों के लिए वो 1 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक रखी गई, मतलब जिस दिन आप लोग ये फॉर्म भरेंगे उसी दिन से हार्ड कॉपी भी जमा कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बाकी फिर कॉलेज में आपको हार्ड कॉपी तो उसी दिन जमा कर देंगे और उसके बाद कॉलेज का काम रहेगा आगे का। और इसमें नामांकन करना जरूरी है, जिनका नामांकन पहले हुआ है वही लोग फॉर्म भर पाएंगे, जिनका नामांकन नहीं हुआ वो लोग फॉर्म नहीं भर पाएंगे, तो पहले नामांकन कर लीजिए। और जिनके रिजल्ट रोके गए हैं तो रिजल्ट जारी होने के 3 दिन के भीतर वो लोग यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। और कोई टेक्निकल हेल्प चाहिए तो ये जो नंबर है, ये 2 नंबर है, इस पर आप लोग कॉल कर सकते हैं ऑफिस टाइम पर, ठीक है। चलिए आगे बताता हूँ मैं आगे, तो यहाँ पर देखिए फीस के बारे में बताया गया कि कौन कौन से सेमेस्टर का कितना फीस लगेगा। तो हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग से संबंध जितने भी कॉलेज है वहाँ के रेगुलर छात्राओं के लिए जो आप एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे उसका विवरण इस प्रकार से, देखिए बीपीएड फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर नियमित के लिए 1190, भूतपूर्व के लिए 1190 लेकिन एटीकेटी के लिए 765 है। तो तमाम सब्जेक्ट है बीबीए, एमलिप, इंफॉर्मेशन साइंस, एमए, एमएससी, एमकॉम, एमए, एमएससी गृह विज्ञान, एमएससी कंप्यूटर विज्ञान, ये सारे सब्जेक्ट है, एमएसडब्ल्यू, डीसीए, पीजीडीसीए, एलएलबी, एलएलबी के यहाँ पर सभी सेमेस्टर के बारे में लिखा गया है, एमएड है, पीजी डिप्लोमा इन योगा, सारी ये देख लीजिए, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर सारे फीस ये लिखे गए हैं ताकि आपको पहले से पता होना चाहिए फॉर्म भरने के। उसके बाद यहाँ पर देखिए परीक्षा केंद्र जो अभी एग्ज़ाम होंगे यही जिसका फॉर्म आप लोग भरेंगे उसका एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पर लिखा गया है। तो ये जो है प्रथम तृतीय फिफ्थ सेमेस्टर के लिए और ये पीजी लेवल के फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के लिए परीक्षा केंद्रों की सूची है, तो देख लीजिए यहाँ पर, यहाँ पर परीक्षा केंद्र का नाम लिखा है और कौन से कॉलेज के स्टूडेंट को इस परीक्षा केंद्र में जाना है उन कॉलेजों के यहाँ पे नाम लिखे गए हैं, ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिए, इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पूरे आप अपने एग्जाम सेंटर को यहाँ से देख सकते हैं। टोटल यहाँ पर जो एग्ज़ाम सेंटर है दुर्ग यूनिवर्सिटी के लिए पीजी के लिए वो 39 है। उसके बाद बीएड और एमएड के फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के लिए भी यहाँ पर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, तो वो भी आप लोग देख लीजिए, ये 15 है। और बीपीएड के फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के लिए 2 यहाँ पर है,
और पीजी डिप्लोमा इन योगा एजुकेशन फिलॉसफी के फर्स्ट सेमेस्टर के लिए 4 परीक्षा केंद्र है, और डीसीए पीजीडीसी के फर्स्ट सेमेस्टर के लिए परीक्षा केंद्रों की संख्या यहाँ पर टोटल देखिए 19 है। एलएलबी के फर्स्ट और थर्ड फिफ्थ और द्वितीय फोर्थ सिक्स, मतलब एलएलबी के सभी जो सेमेस्टर है उनके लिए यहाँ पर 4 परीक्षा केंद्र है, और बीबीए के थर्ड फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के लिए भी यहाँ पर परीक्षा केंद्र है। सारा पीडीएफ लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए। उसके बाद देखिए जिनके रिजल्ट रोके गए थे वो जारी हुए हैं, तो ये लोग भी जो है फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए इनका 2018-19-20 के विथहेल्ड रिजल्ट यहाँ पे जारी किए गए हैं। एमएस समाजशास्त्र फोर्थ सेमेस्टर मई जून 2018 का रिजल्ट है, शासकीय चंदूलाल चंद्राकर महाविद्यालय पाटन से, और बीए भाग तृतीय पूरक परीक्षा 2018 शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त पीजी कॉलेज बालोद, और एमएससी रसायन तृतीय सेमेस्टर दिसंबर जनवरी 2018-19 आचार्य श्री ग्रंथ मुनि साहेब ये है कमरधा से। एमए समाजशास्त्र अंतिम मार्च अप्रैल 2019 का रिजल्ट है, दिग्विजय कॉलेज राजनांदगांव से, और एमए अर्थशास्त्र फोर्थ सेमेस्टर मई जून 2019 का रिजल्ट है, शासकीय कमला देवी राठी महिला महाविद्यालय राजनांदगांव से। एमएससी रसायन फोर्थ सेमेस्टर मई जून 2019 का रिजल्ट है, आचार्य पंत श्री ग्रंथ मुनि नाम साहेब कमरधा से। एमएससी भौतिक एटीकेटी फोर्थ सेमेस्टर मई जून का रिजल्ट है 2019 का, वहीं से है कवर्धा से, आचार्य पंत श्री ग्रंथ मुनि नाम साहेब से। और बीएड फोर्थ सेमेस्टर है मई जून 2020 का रिजल्ट है, भिलाई कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जामुल भिलाई से, और बीए भाग तीन मार्च अप्रैल 2020 का रिजल्ट है, कॉलेज है शासकीय जेएनएल कला महाविद्यालय बेमेतरा से, और घनश्याम से गुप्त कॉलेज बालूस से, और एमए संस्कृत मार्च अप्रैल अंतिम का है 2020 का, कॉलेज है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर महाविद्यालय डोंगरगांव, और बीए भाग तीन मार्च अप्रैल 2020 का रिजल्ट है शासकीय महाविद्यालय खेरथा बालोद से। तो सारे जो है आपके नाम यहाँ पर लिखे गए हैं, आपके परीक्षा फल यहाँ पे लिखे गए हैं, तो ये सारे आप लोग चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इनका पूरा लिंक है, जितने भी मैं आपको यहाँ पर आज बताया नोटिफिकेशन, सारे नोटिफिकेशन के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ पर जाकर इसको चेक कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। आगे जो आने वाले टाइम टेबल है इसी परीक्षा का, वो भी आपको इसी चैनल पर देखने के लिए मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबा के रखिए। मिलते हैं एक नए नोटिफिकेशन के साथ एक नए वीडियो में।